तारीख थी 3 नवंबर 1988। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में ब्रिगेडियर फारूक बलसारा उधेड़बुन में थे। ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम कैसे दिया जाए, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे भारतीय सैनिकों ने कभी अंजाम नहीं दिया था। उधर आगरा से 2712 किलोमीटर दूर एक मुल्क का राष्ट्रपति छुपने की सुरक्षित जगह तलाश रहा था। उसके मुल्क की सड़कों पर नकाबपोष हथियारबंद कोहराम मचा रहे थे। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई थी। उसका मुल्क सहायता के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका और पाकिस्तान से गुहार लगा रहा था, लेकिन सबने किसी न किसी बहाने से अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। इन परिस्थितियों में संकट मोचक बनकर आया भारत। जानते हैं वो संकटग्रस्त मुल्क कौन था? वो मुल्क था मालदीव। वही मालदीव जिनके नासमझ, अज्ञानी, मूड और एहसान फरामोश राष्ट्रपति और मंत्री भारत के प्रति बदजुवानी कर रहे हैं। ये मुल्क कितना एहसान फरामोश है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। मैं हूं रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं NDTV। बात शुरू से शुरू करते हैं। मालदीव शब्द में माल शब्द मलयालम भाषा से आया है। इसका मतलब होता है माला और द्वीप। द्वीप का मतलब होता है द्वीप, यानी द्वीपों की माला। मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक छोटा सा आइसलैंड है। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ खुदाई में मिले अवशेष अलिखित इतिहास बताता है कि यहाँ 12वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं का शासन रहा है। तब भारत के महान चोल राजवंश के शासक यहाँ राज करते थे। इसे सबसे पहले राजा राज चोल ने जीता था। राजा राज चोल ने 29 सालों तक शासन किया। 11वीं सदी में मालदीव पर महावर्णा आदित्य का शासन रहा, जिसके प्रमाण वहां आज भी शिलालेखों पर मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोलों से पहले यहां कलिंग साम्राज्य का शासन था। चोलों के बाद ये द्वीप कई सालों तक गुजराती हिंदुओं का गढ़ बना रहा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। इसी दौरान टर्निंग प्वाइंट आया, वहां अरब के कारोबारियों का भी आना जाना शुरू हो गया। इनके प्रभाव में स्थानीय लोगों में इस्लाम के प्रति रुचि बढ़ी। खुद यहाँ के अंतिम बौद्ध शासक धो वेमी ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। उनका नाम तब बदलकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हो गया। इसके बाद लगभग पूरे देश का इस्लामीकरण हो गया। तब से लेकर अब तक इस देश में इस्लामिक शासन ही है। अब इस देश की 98% आबादी मुस्लिम है और यहाँ कड़े शरिया कानून लागू है। कानून इतने कड़े हैं कि मूर्ति पूजा करते कोई मिल गया तो उसकी खैर नहीं। बहरहाल ये तो था संक्षेप में मालदीव का इतिहास। लेकिन ये देश 1965 में जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, तब से ही भारत हर कदम पर इसका साथ दे रहा है। मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों की सूची में भारत भी शामिल है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो भारत इस मुल्क की लाइफलाइन। वीडियो की शुरुआत में जो किस्सा हमने बताया वो इस मुल्क पर आई सबसे बड़ी मुसीबत थी। तब उग्रवादियों ने इस मुल्क का तख्ता पलट करने की कोशिश की। तभी भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर इस मुल्क की चुनी हुई सरकार को बचा लिया था। तब वहां की सरकार की गुजारिश पर भारत के सैनिक एक साल तक इसी मुल्क में रुके थे ताकि फिर से तख्ता पलट ना हो। इसके अलावा दर्जनों ऐसे मौके आए जब मालदीव मुसीबत में फंसा तो भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मसलन 2004 की सुनामी में मालदीव सबसे ज्यादा मार झेलने वाले देशों में था। वहां भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। 2014 में मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई। प्लांट ठप हो गया। पूरा मालदीव बूंद बूंद पानी को तरस गया। तब अगली सुबह ही भारतीय वायुसेना ने 20 टन पीने का पानी वहां पहुंचाया था। जब कोरोना आया तब भी भारत ही वह पहला मुल्क था जिसने उसे वैक्सीन भेजी थी। जिस चीन से गलबहियां करने को मालदीव इन दिनों बेकरार है, उसका सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी भारत ही है। मालदीव का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ गौरतलब है कि चीन और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत साल 1972 में हुई। गौर करिएगा, भारत ने 1965 में ही इसको मान्यता दी। खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही आते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में मालदीव के नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। साल 2022 में भारत ने मालदीव के आसपास 10 राडार स्टेशन का एक नेटवर्क तैयार किया। इन सब के अलावा भारत ने और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए हैं। शायद मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उनके सिपहसालारों को यह इतिहास पता नहीं है, या फिर वो जानबूझकर चीन के हाथों में खेल रहे हैं। अब इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है।